बच्चों, आज के क्लास में हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। और मौलिक अधिकार से जुड़े हुए वैसे फैक्ट्स पढ़ेंगे जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से VVI होंगे। मौलिक अधिकार या पॉलिटी को विस्तार से पढ़ने के लिए आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत ही कम फी है। चलो देखते हैं, आज की पॉइंट पर विचार करते हैं, मौलिक अधिकार। देखो बच्चों, मौलिक अधिकार किसी भी व्यक्ति को एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए जो जो अधिकार उसको चाहिए उसे ही कहते हैं मौलिक अधिकार। क्या कहते हैं उसको? मौलिक अधिकार। और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की जो व्यवस्था है वह लाया गया है USA से, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। इसको हिंदी में भी लिख दे रहे हैं अमेरिका। तो एक GS यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ। एग्जाम पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार की जो व्यवस्था है भारतीय संविधान में कहाँ से लाया गया है, तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार लाया गया है अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में किया गया है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में है। मौलिक अधिकार का वर्णन है भारतीय संविधान के भाग 3 में। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद है 12 से 35। अनुच्छेद कितना है? 12 से 35। लगभग 24 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। देखिए मौलिक अधिकार कितने हैं, तो टोटल मौलिक अधिकार 7 हैं। नंबर 1 हुआ समता का अधिकार। नंबर 1 क्या है? समता का अधिकार। 2 में है स्वतंत्रता का अधिकार। 3 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 4 में है धर्म की स्वतंत्रता। 5 में है शिक्षा का अधिकार। 6 में है संपत्ति का अधिकार। और 7 में है संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें से कुछ ऐसे अधिकार हैं जो मौलिक अधिकार से वंचित हैं। वह है 6 नंबर पर जो संपत्ति का अधिकार है, इसको नोट कर लीजिएगा। 44वें संविधान संशोधन कितना 1978 ईस्वी में मूल अधिकार के श्रेणी से, सूची से हटा दिया गया। और जो सरकार इसको हटाई वह थी जनता पार्टी सरकार। वह कौन थी? जनता पार्टी सरकार। इस दोनों पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से किस संविधान संशोधन में हटाया गया, तो नोट कर लीजिएगा बाबू, 44वें संविधान संशोधन में हटाया गया। किस सरकार के द्वारा हटाया गया? जनता पार्टी के सरकार द्वारा। कब हटाया गया बाबू? 1978 ईस्वी में। और एक अधिकार जो है 7वां नंबर देख रहे हैं वाला, संवैधानिक उपचार का अधिकार। यह जो है अधिकार आम आदमी को प्राप्त नहीं है, नोट कर लीजिएगा। यह जो है अधिकार आम आदमी के लिए नहीं है, बल्कि उनके लिए है जो संसद का मेंबर है। संसद का मेंबर है, चाहे वो लोकसभा के हो राज्यसभा के हो, उन्हीं के पास ये अधिकार है। साधारण व्यक्ति हैं उनके लिए यह अधिकार नहीं है। तो समझिए कि आपको मौलिक अधिकार मात्र 5 ही प्राप्त है। पहला है समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता और 5वां है शिक्षा का अधिकार। तो इस प्रकार से एग्जाम में एक बार क्वेश्चन ही पूछा गया है कि भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार कितने हैं, भारतीयों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो आप आंसर मारिएगा 5। कितने प्राप्त होंगे? 5, क्योंकि 6ठा जो था संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। 7वां जो है वो आम आदमी के लिए है ही नहीं। तो एक आम आदमी के लिए, एक आम भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार मात्र कितने हैं? 5 हैं। अब हम बारी बारी से
प्रत्येक मौलिक अधिकारों का वर्णन करेंगे।